हे गाइस, माय नेम इज अवेश अख्तर। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे शख्स की जो कभी दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल हुआ करते थे, आज अपने हार्डवर्क से आईपीएस बने फिरोज आलम की। फिरोज आलम मूल रूप से यूपी के हापुड़ ज़िले के गांव आजमपुर दहपा के रहने वाले हैं। इनके फादर मोहम्मद शहादत एक कबाड़ी है। इनकी मदर मुन्नी बानो हाउसवाइफ है। इनके 5 भाई हैं और 3 बहनें हैं। फिरोज अपने गांव में यूपीएससी क्लियर करने वाले दूसरे शख्स हैं। फिरोज की एजुकेशन की बात की जाए तो फिरोज आलम ने 12वीं तक की पढ़ाई इंटर कॉलेज से की। 12वीं पास करने के बाद ये 2010 में दिल्ली पुलिस में बतौर कांस्टेबल भर्ती हो गए। इसके बाद भी इन्होंने पढ़ाई जारी रखी और हिस्ट्री पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन हिंदी लिटरेचर में किया। फिरोज ने 2010 में दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के पद पर ज्वाइन किया। अपने सपने को साकार करने के लिए फिरोज ने पुलिस कांस्टेबल के रूप में काम करते हुए यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर दी। फिरोज के लिए यूपीएससी की तैयारी के साथ साथ फुल टाइम नौकरी करना बहुत कठिन साबित हुआ। लगातार मेहनत करते हुए फिरोज ने 2019 में यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर कर लिया। अब उनकी ट्रेनिंग भी शुरू हो गई। फिरोज को आईएएस अधिकारी प्रियंका शुक्ला ने भी बधाई दी। फिरोज पूर्वी दिल्ली के पांडवनगर थाने में तैनात इंस्पेक्टर मनीष कुमार यादव को अपना आदर्श मानते हैं। फिरोज के मुताबिक मनीष की कार्यशैली, उनके नॉलेज का स्तर, उनका पॉजिटिव अप्रोच, हर केस की बारीकियों को परखने की उनकी नज़र और व्यवहारिक नज़रिया बहुत पसंद है। उनकी सलाह हमेशा फिरोज़ के काम आई। फिरोज़ ने कहा कि यूपीएससी इतना आसान नहीं था जितना मैंने सोचा था। मैं लगातार असफल रहा। 5 बार फेल होने के बाद मैंने अधिकारी बनने का सपना लगभग छोड़ ही दिया। लेकिन जब मैंने देखा कि राजस्थान में झुंझुनू ज़िले के नवलगढ़ तहसील के गाँव देवीपुरा के विजय सिंह गुर्जर ने जब दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल में आईपीएस बने तो मुझ में भी हिम्मत आई, तो मैंने भी अपने सपने को साकार करने का फैसला किया। फिरोज आलम ने 2019 में अपने छठे प्रयास में यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा पास की। उन्होंने 645 रैंक हासिल की और भारतीय पुलिस सेवा में शामिल होने का फैसला किया। फिरोज ने अफसरों को देखकर ठाना अफसर बनना। फिरोज कहते हैं कि साल 2010 में दिल्ली पुलिस ज्वाइन करने के बाद मैं अपने सीनियर अफसरों के कामकाज के तरीके और उनके रुतबे से काफ़ी प्रभावित हुआ। उन्हें देखकर मैंने भी तय कर लिया था कि मुझे भी अफसर बनना है और इसका एकमात्र जरिया था यूपीएससी। ऐसे में कांस्टेबल की नौकरी के साथ यूपीएससी की तैयारियों में जुट गया और लगातार मेहनत करते हुए अपनी मंजिल तक पहुँच गया। गाइस, ये थी आईपीएस ऑफिसर फिरोज आलम की बायोग्राफी। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इस तरह और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।